शिवपुरी शहर के झांसी रोड स्थित ईदगाह मैदान पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर रविवार को प्रशासन की गाजगिरी है। यहां बड़ी संख्या में पुलिस अमले के साथ नगर पालिका और राजस्व अमला मौजूद रहा। इस मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा 4 जेसीबी की सहायता से ईदगाह के मैदान पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। इस कार्यवाही में अतिक्रमण को हटाते हुए नजुल की भूमि का सीमांकन भी किया गया और जरीब से पूरी जमीन की नपाई की गई। वहीं एक समुदाय के लोग वहां मौजूद रहे जिनके द्वारा ईदगाह मैदान के प्रांगण को शासकीय भूमि मानते हुए खुला छोड़ने की मांग की गई। हालांकि यहां प्रशासन बाउंड्री वॉल की तैयारी कर रहा था जिसका विरोध विशेष समुदाय के लोगों ने किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। तो आप ये नया काम क्यों कर रहे हैं? हम आपसे निवेदन कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। इसके बाद आप जो आप समझे और आप इस तरीके से हमको दबाने की कोशिश मत करें। हम भी क्या आप एक बार हमारे हम दुकान पर डिस्मेंटल कर लेंगे, ये ना करें आप। आपकी जो भाषा है वो यही है। लेकिन आप बिल्कुल ही सर मचलेंगे। सर्वे नंबर 736 है शासकीय नजूल पठार की भूमि, इस पर कुछ दुकानें निर्मित की गई जिनको उन्होंने नोटिस दे दिया गया था, काफ़ी समय दिया गया था। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग आए जिनका कहना था कि साहब हम खुद लोग खुद ही इसको डिसमेंटल कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने हमले के साथ। हमारा उनकी मदद करते हैं, खुद ही डिसमेंटल कर लेंगे, कोई समस्या उसमें नहीं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि सर देख कुछ न्यायालय में बेचारा दिन भी चल रहा था, ऐसा कुछ है? नहीं, 726 शासकीय नंबर है, उसका कोई न्यायालय नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।